विदेशों के अंदर कैनेडा, जर्मनी, अमेरिका, यूके, गुरपंत सिंह पन्नू कौन है, है क्या जी, औकात क्या आज की? ये बब्बर खालसा के चार आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना, 2 साल के बाद कहूंगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख। एजेंसी जो है, क्योंकि हम अगर कहें कि इंपोर्टर हरियाणा पुलिस, उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा किया, एजेंसीज का भी रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान से इतना सामान आना और फिर ये तेलंगाना जाना, पहले नदेड़ साहब गया, नदेड़ साहब का मतलब महाराष्ट्र, जब लुधियाना के अंदर ये ब्लास्ट हुआ था कोर्ट के अंदर कुछ समय पहले, इलेक्शन से पहले, जब जर्मनी से एक टेररिस्ट को गुरपंत सिंह पन्नू का साथी था, उन्होंने लुधियाना में अटैक किया था कोर्ट में, जब उससे पूछताछ हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ जर्मनी गवर्नमेंट से बात करके, तो ये चीज़ पिक्चर क्लियर सामने आ गई थी, अगला निशाना इनका दिल्ली और बॉम्बे है। अब नदेर साहब से वो आरडीएक्स, वो हथियार कहाँ गए ये तो वही बता सकते हैं। तो इतना खतरनाक हथियार, जाने उन्होंने दिल्ली वारदात करनी थी, बॉम्बे करनी थी, तेलंगाना करनी थी, कहाँ करनी थी, थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि तेलंगाना महाराष्ट्र तो बहुत दूर है, अभी भी हथियार आ रहे, टिफिन बम पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया, बार बार टेररिस्ट पकड़े जा रहे। सवाल सबसे बड़ा ये है, सिख समुदाय से कब लोग निकलेंगे, इन बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, सिख कौम का अपमान करने वाले, सिख कौम को बदनाम करने वाले के खिलाफ कब हमारी तरह निकलेंगे कि ये लोग भारत माँ के गद्दार हैं, ये सिख कौम के गद्दार हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई, अगर ये बम कहीं चल जाते, इसमें हिंदू का भी नुकसान होता, सिख का भी होता, मुसलमान का भी होता, ईसाई का भी होता, और ये भूखा नंगा पाकिस्तान, जो आतंकवादी वहां से बैठे हैं पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं। ये कहते हम सिख कौम के आगू हैं, ये कहते सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार आप हैं, ये इनको पूछना चाहता हूं। जब ननकाना साहब में अपमान हुआ गुरु नानक देव साहब के गुरुद्वारा साहब का, जब एक काफर ने कहा क्योंकि ननकाना साहब का हम नाम बदल देंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं बब्बर खालसा को, ये बब्बर खालसा ये कुत्ते लोग हैं, खालसा नहीं, ये कुत्ते खालस का नाम देके, बब्बर का नाम देके ये कौम को बदनाम करते हैं। अरे बब्बर खालसा वालों, झूठे मकार लोगों, आतंकवादियों, बेगुनाहों के कातलों, सिख कौम की मर्यादा के उल्ट चढ़ने वालों, इस सिख कौम की पगड़ी के दाग लगाने वालों, अरे महाराज रणजीत सिंह का जब स्टैचू तोड़ा गया, वो महाराज रणजीत सिंह जिनका काबुल कंधार तक राज था, जिनकी फौजों के जर्नैल थे, सरदार हरि सिंह नलुआ थी, और काबुल कंधार की माएँ अपने बच्चों को उस वक्त कहा करती थी, बच्चे सो जा, नलुआ आ गया, वो हमारा हिंदुस्तान का राज, वो हमारा काबुल कंधार तक राज, आज रह गया पंजाब इतना सा, हरियाणा भी निकल गया, गंगानगर राजस्थान भी निकल गया, इतना सा रह गया। उसका जब स्टैचू तोड़ा उस वे बब्बर खालसा वालों कहाँ थे आप, जब ननकाना साहब के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा किया गया, और उस वक्त बब्बर खालसा वालों, खालस को बदनाम करने वाले, बब्बर को बदनाम करने वाले, उस वक्त आप कहाँ थे, जब हमारे हिंदू धर्म की बहू बेटियों का अपमान हो रहा है, वो अभी भी वहां पे उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, सिख कौम सजाई गई मजलूमों की रक्षा के लिए, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए, गुरु तेग बहादुर महाराज हिंद की चादर अपना शीश निछावर कर दिया, गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती लोहों पे आजकल के दिनों में उन्होंने अपने जीवन को मानवता के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, धर्म के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए कुर्बान कर दिया। कहाँ थे वो बब्बर खालसा वालों, दाढ़ी रख के पगड़ी पहन के सिख कौम को बदनाम करते हो, आप सिख कौम के गद्दार हो, आप इस मातृभूमि के गद्दार हो। जब काबुल के अंदर एक गुरु महाराज का गुरुद्वारा साहब, ऐतिहासिक गुरु नानक देव जी वहां के चरण हुए, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, और वहां पे 25-30 के करीब लोग गुरुद्वारा साहब में बैठे, गुरु ग्रंथ साहब के सामने माएँ बेटियां पिता, उनके पिता
आतंकवादी आए, गोलियों का निशाना बना दिया, माँ के सामने बेटी, बाप के सामने उसके बच्चे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया, बहनों के सुहाग उजाड़ दिए। अरे जालमों, उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आपकी बब्बर खालसा वालों, आपकी अणख कहाँ चली गई? कहाँ चली गई आपकी अणख? हिंदुस्तान में आपको कुछ कहता है नहीं? फांसी से फंदे से बच जाते हो और यहां भड़के मारते हो? सिख कौम की ये मर्यादा नहीं है। और कश्मीर के अंदर आज से कई साल पहले सिख भाइयों को खड़ा करके लाइन में 25-30 के करीब गोलियों का निशाना बना दिया हुआ है। उससे उस वक्त खालिस्तानी हो, आप कहां थे? वो मुल्क के गदारों, कौम के गदारों, कहां थे आप? आपको हिंदुस्तान ही मिला है जहां पॉलिसी नरम आपको लगती है पंजाब के लोगों को? सोचना चाहिए सिख कौम कहां थी, कहां पहुंचा रहे। हमने कभी ऐसे खालिस्तान के नारे किसी धरती पे पंजाब में लगने नहीं दिए। खुल के जवाब दिया, शरीर के हिस्से तोड़वाया, देखो शरीर टूटा पड़ा है शरीर, पर खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, ना कभी बनने दिया था। बनेगा तो गंदी हनेरी तरह इस टूटे से शरीर से लाशों पे फिर निकल जाएगा। ये मैं हिंदुस्तान के लोगों को, प्रेस के लोगों को कहना चाहता हूँ, हम उस चीजों से निकले। ये लोग खालिस्तानी, ये जो खालिस्तान का नारा देते ना, गुरपन सिंह पन्नू रोज देता है, कभी करनाल में झंडे का अपमान करेंगे, कभी हम पानीपत में करेंगे। अरे गुरपन सिंह पन्नू, इतना मीडिया खड़ा है, आ मेरे सामने, गदार आदमी तू है कहां? आ मीडिया के सामने आ, कोई भी एक चैनल उससे रास्ता कर ले, यहीं पे लाइव आ जा, खालिस्तान का मतलब समझा दो। खालिस्तान का मतलब क्या? खालिस्तान का मतलब ये मैं बताता हूं आपको, इन गदारों को, इन कुत्तों को, इस कौम के बदनाम करने वाले लोग, दाग लगाने वाले लोगों को मैं बताता हूं। हरियाणा के अंदर अगर आएंगे, कुरुक्षेत्रा गुरुद्वारा साहब में, क्या पासपोर्ट के जरिए आएंगे? इनको सवाल पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के थ्रू, क्या दिल्ली में चांदनी चौक, हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर महाराज, रकाबगंज साहब, बंगला साहब, मोतीबाग साहब दिल्ली के अंदर, पटना साहब, जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का जन्म दिवस हुआ, उसके बाद नदेड़ साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज आखिरी स्थान अमर, उसके बाद गुजरात के अंदर, क्या वहां पे खालिस्तानियों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो? ये खालिस्तान चाहते हो आप? कोई मेरे से बहस कर ले, खालिस्तान यूट्यूब पे आ जाए, आपके चैनल के थ्रू बहस कर ले। सवाल सबसे बड़ी ये है, पुलिस हथियार पकड़ती है, पुलिस आरडीएक्स पकड़ती है, कल पकड़ा गया, फर्ज करो वो आरडीएक्स अगर चल जाता करनाल में, तो पूरा करनाल बदनाम होता, पूरा हरियाणा बदनाम होता, पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी होती। हमारा जो पूरे हिंदुस्तान में दुनिया का व्यापारी, आज हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, या कहीं भी एक व्यापार की योजना बनाता है, वो हरियाणा की धरती को सेफ समझता है। मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहता हूं, ये खोलो बेटा, पेपर खोलो, मैं पेपर दिखाना चाहता हूं कि ये आतंकवादियों के जो इरादे, उतनी देर तक, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मेरे केस के अंदर, जिसने मेरे पे ब्लास्ट किया था कि आतंकवादियों को जब दूसरों की हत्या करते हैं, किसी का बहन का सुहाग उजाड़ते हैं, किसी को बच्चे को यतीम करते हैं, खून की नदियां बहाते हैं, उन वक्त इनको तरस नहीं आता? अब ये लोग पकड़े जाते हैं, ये बब्बर खालसा के चार आतंकवादी पकड़े गए ना, ला मेरी बात लिख लो, टाइम नोट कर लो, रिकॉर्डिंग ले लेना, 2 साल के बाद कहूंगा ये बंदी सिख बन जाएंगे, बंदी सिख, जैसे सरदार बेअंत सिंह के कातिल, दूसरे काटो पेपर, बेअंत सिंह के कातिल राजू आना को अब सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि इसको छोड़ दिया जाए, चीफ मिनिस्टर को शहीद कर दिया जिसने पंजाब को अमन शांति दिया। अब मेरे पे बम चलाने वाले देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, दिल्ली में 40 किलो आरडीएक्स चलाया, 38 लोग शहीद हुए, आज तक केस लड़ रहा हूं। उसके लिए वकील कौन पेश होता है? वकीलों की लिस्ट देखो, ये देखो कपिल छिपल, एक टाइम की फीस ऐसे आतंकवादियों के लिए आएंगे या वकील? मैं आपको बता दूं, कौन पैसा देगा? फॉरेन से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान से फंडिंग आएगी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई, जहां आप,
नमस्तक करते हैं वहां आपका पैसा आतंकवादियों का इनको दिया जाएगा। तू चले आओ खड़े हो जी। ऐसे ऐसे वकील खड़े होंगे। मुकुल रोहतगी अभी खड़ा हुआ इस मेरे केस के अंदर। मुकुल रोहतगी एक घंटे का लिया 20 लाख। किसने दिया भी 20 लाख? सवाल है, आतंकवादी पकड़े गए, आपने न्यूज चला दी, न्यूज बहुत तेजी से चल रही है, आतंकवादी पकड़े गए, पर आप उसका भी सवाल करेंगे सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को भी, 2 साल के बाद इस आतंकवादी की पोजीशन क्या होगी? क्या खालिस्तानी लोग, क्या खालिस्तानी जत्थेबंदियां, क्या 2 साल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगी सरकारें, क्या इन आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए? जब चीफ मिनिस्टर के कातिल को छोड़ने की बात हो रही है, जब मेरे पे बम चलाने वाले को 25 साल से केस लड़ रहा हूं, उसको फांसी से बचा के पंजाब में भेज दिया, पंजाब से पैरोल छोड़ दिया, इसको परमानेंट छोड़ दो, देवेंद्र पाल सिंह गुल्लर को, इस आतंकवादी को पकड़ लिया, आपने मेहनत की, आपने न्यूज चलाई, रात दिन गर्मी में गए। पर अगला सवाल मेरा प्रेस से है, मेरा प्रशासन से है, मेरा सरकार से है, मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से है, मेरा एजेंसियों से है, क्या 2 साल के बाद जो कल गवर्नर को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, अकाली दल के लोग मिले कि बंदी सिखों को छोड़ दो, क्या ये भी बंदी सिखों में आ जाएंगे? देखो मेरा सवाल है, जो होना वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहाँ हो आ देखो और आप सवाल पूछोगे? आ देखो आ दिल्ली ब्लास्ट की फोटो है, अभी तक सजा नहीं हुई। सर एक जगह जैसा कि आपने कहा भी है कि सिखों के बारे में, और सिख कौम जो है वो सबसे सर्वोपरि मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिखों के द्वारा जो आतंकवाद बार बार फैल रहा है, जो बदनाम हो रहे हैं, नहीं तो आपने एक पहली बात करो, आप सिख नहीं कह सकते, सिख धर्म कह सकते, सिखों हिंदुओं मुसलमानों नहीं कह सकते, हम हर धर्म की इज्जत करते। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, सारे सिख समाज तो ऐसा नहीं, पर सिख कौम के आगू अगर सब ऐसे हो जाएंगे, अब पुराना मनाना अकाल तख्त के जथेदार साहब हमारे सिर के ताज हैं, हमारे सिर की इज्जत है, हमारे सब कुछ है अकाल तख्त के जथेदार साहब। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट साहब और सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहेंगी आतंकवादियों को छोड़ दो, तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास क्या जवाब है? मैं काल तख्त के जथेदार साहब के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता, पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि जब सिख कौम के आगू ये नहीं समझाएंगे नई पीढ़ी को, नए युवाओं को, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर थी सिख कौम, मजलूमों की ये सजाई की जैसे इन्होंने कहा, आपने कहा हम समझाएंगे नहीं। आजकल बहुत सारे युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, ये खालिस्तान का, भिंडरावाला का फोटो लगा के घूमते हैं, किस तरीके से? बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया, गाने चला रहे हैं। देखो मेरी, मैं तो एक चीज आपको बताऊं, ये आप फिर भी आपके अंदर एक जमीर है, यहाँ हरियाणा की प्रेस के अंदर एक जमीर है, मैं उधर नहीं कहूंगा उधर जमीर नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी को भी ये कौन थे। देखो मैं रहा हूँ अमृतसर, अभी भी मेरा घर वही है, सामने हवेली, सामने हरिमंदर साहब। जब पहला बम चला था ना 83 या 82 में, तो चैलेंज आया था अंदर से, भिंडरांवाला था अंदर, हमेशा तिरंगा झंडा लहराते, उम्र छोटी थी, बिट्टा अगर तिरंगा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा देंगे। एक पुलिस ऑफिसर आता, नाम होता तिलक राज, अभी याद है, SHO, कहना साहब रास्ता बदलो। मैं क्यों? कहने उनका थ्रेट आया कि बम चलाएंगे अगर आप तिरंगा झंडा यहाँ लहराओगे। मैं कहा मैं खालिस्तान का झंडा लहरा रहा हूँ, मैं देश के तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, बम चले या कोरियाँ चले तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। लहराया, सुबह 5 बजे बम फेंका, 12 बजे झंडा लहराया। मैं उस वक्त का जानता हूँ। मुझे एक चीज बता दो यार, 36,000 बेगुनाहों का यार कत्लेआम कर दिया, सोच के एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो 36,000 कितने होते हैं। 19,000 यार हमारे हिंदू भाई शहीद कर दिए, हमारी जमीर कहां मर गई यार, हम कहां चले गए यार? आजादी से पहले, आजादी के बाद, आज तक हम लड़ते लड़ते, अभी हम बम्बो गोलियों से नहीं थकते, हम मौत से नहीं थकते, मौत हमारी दोस्त है, हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं जब देश का पॉलिटिकल सिस्टम खराब हो जाता है, जब इन आतंकवादियों के 36,000 बेगुनाहों के कातलों पे ऐसे बम चलाने वालों के लिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं।
बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती है, बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार यार खड़े हो जाते हैं, और एक टाइम की फीस यार 20-20 लाख रुपया इन आतंकवादियों के लिए ले लो। अभी बब्बर खालसा के पकड़े गए, आप मैं लिख लो, मैं फिर आऊंगा, जिंदा रहा फिर आऊंगा, इन कुत्तों का पता नहीं कब धोखे से मारे हम, मौत हमारी दोस्त, हम आएंगे फिर आऊंगा, आप मेरी बातों को नोट करके रखना, इसके लिए यही वकील खड़े होंगे ये वाले। इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है, इस क्रेज को कैसे कम किया जा सकता है जो ये उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल मेरे से किया। आप बोलेंगे कोई और बोले, वो सरदार जी बोलेंगे मेरी तरह तो असर होगा, वो सरदार जी ना मेरी तरह बोले विरोध करेंगे ना, मैं बोलूंगा असर होगा। आप बोलेंगे कहते आप तो फिरकाप्रस्त हो भाई, आप तो हिंदू हो भाई, जबकि हिंदू सिख एक नौ मास का रिश्ता है, हिंदू सिख रोटी बेटी का रिश्ता है, जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है, मैं आपको फिर कह दूं जो आपके अंदर जज्बा है वो पंजाब में नहीं है, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? आतंकवादियों को पकड़ोगे, आतंकवादियों के धर्म के ठेकेदार आएंगे, आतंकवादियों को पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आएंगे, वोट बैंक की लेकर के छोड़ देंगे, और आप देखेंगे अहमदाबाद के अंदर 38 आतंकवादियों को डेढ़ महीना पहले फांसी की सजा सेशन कोर्ट ने सुनाई, कितने बम चलाए 3-4-5 फांसी की सजा, पंजाब में एक को भी फांसी की सजा नहीं, पंजाब को जो है आतंकवादी मेरे केस में भी छोड़ दिया, अब राजू आना को छोड़ देंगे, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को कह दिया, मैं कहूं आपने न्यूज चला दी, मैं कहूं पुलिस ने पकड़ लिया, मैं कहूं एजेंसियों ने अपना काम कर दिया, पर 2 साल के बाद ये आतंकवादियों को छुड़वाया जाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक की खातर कहेंगी ये तो कौम के बड़े जर्नैल थे, मैं फिर कह दूं विदेशों के अंदर कैनेडा जर्मनी अमेरिका यूके गुरपन सिंह पन्नू कौन है, है क्या जी औकात क्या आज की, ये रोज आपको मैसेज भेजता आप न्यूज चला देते, जिस दिन ये तो पकड़े गए गुरपन सिंह पन्नू की आप न्यूज चलानी बंद कर देंगे, इसको कुत्ता नहीं पूछेगा। मैं जवाब दे, हिमाचल में गया मैं कहना तिरंगा झंडा अपमान करूंगा, कहा उसने हम जाके झंडा ले रहा है। मुझे एक चीज बताओ, वो सबको रोज आपको सबको मैसेज भेजता है, सरकारों को डराता है, मैं तो कई बार कहता हूँ यार बहस तो कर दू, दूर रह के बहस तो कर दू, बाहर की शक्तियां इनको मदद करती हैं। मेरे अगर कौन है तू कौन है, मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा ना भाई साहब मैं कौन हूँ, मुझे फख्र है आपके हर आदमी के ऊपर, आप मुझे सरदार बाद में कहोगे, पहले कहोगे ये भारतीय है, ठीक है वो गलत तो नहीं, और मैं बार बार कहता हूँ अपने बम्बों से निकले हुए खून से मेरी आवाज निकलती है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, मेरे हमारे गुरुओं ने राष्ट्र के लिए कुर्बानी दी थी, वही तो मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ, कौन से जिम्मेदार क्यों ना निकले। अब 4 आतंकवादी पकड़े गए, खुल के सामने पिक्चर आ गई, हथियार पकड़े गए, हिंदू मुसलमान सिख कोई भी आता उस लपेट में मारा जाता, तो वही यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या सिख हमारे समुदाय के मेरे बड़े भाई आगू होके इनका विरोध क्यों नहीं करते, उन्होंने सवाल पूछा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पे जिन्हें हमला किया वो कहते उनको भी छोड़ दो, बेन सिंह को शहीद किया उनको भी छोड़ दो, अब ये बंदी सिख और है जिन्होंने रास्ते में जाके 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, 19 भाई हिंदू भाई, ना किसी के हाथ में कान कृपान ना कछूर ना बंदूक, उसको कत्लेआम कर दिया, जब कौम के बड़े ही आगू कहे छोड़ दो भैया मैं अकेला तो लड़ ही सकता हूं ना।